जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं आपके हिंदी की किताब से पाठ 13, गुरु भक्त काली भाई। इसमें आपको मैंने बताया था कि सिपाहियों को जब आदेश मिला पुलिस अधिकारी का, तो वे सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े थे और उन्होंने थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक की कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की, और इस पिटाई से नाना भाई बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। सिपाहियों ने नाना भाई को तो बहुत जमकर पिटाई लगाई, तो वह बुरी तरह घायल हो गए। तो इसी बीच जो सेंगा भाई थे, सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। ये आप चित्र में देखिए, ये ट्रक जा रहा है और इस ट्रक से बांधकर ये सेंगा भाई को घसीटा जा रहा है। तो सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, नाना भाई यह नहीं देख सके ये दृश्य के उनके यहाँ के शिक्षक को इस तरह ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा है। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन्होंने जैसे देखा कि सिपाही सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं, तो नाना भाई घायल हो गए थे क्योंकि उनको बहुत मारा गया था, लेकिन फिर भी वो घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। उन पर एक सिपाही ने क्या किया, जोर से जो बंदूक होती है उसका बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि कभी उठे ही नहीं। जैसे ही बंदूक का कुंदा उनके सर पे लगा, नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े, जोर से गिर गए नीचे और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि उनकी मृत्यु हो गई। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। जो सेंगा भाई थे, सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसमें हिम्मत थी कि सेंगा भाई को बचाते। सेंगा भाई को जब ट्रक से बांधकर घसीट रहे थे, तो पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की, यानी वहां पे रहने वाले जो आदमी थे, औरतें थी, उनकी भीड़ हो गई वहां पे जमा, क्योंकि सब देख रहे थे कि शेंगा भाई तो बच्चों को पढ़ाते हैं और ये देखो सिपाही इनको बांध के घसीट रहे हैं। तो किंतु किसमें हिम्मत थी कि शेंगा भाई को बचाते। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह शेंगा भाई को बचाते। काली बाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सर पर घास का गट्ठर था। काली बाई थी वो उस समय कहाँ से आ रही थी, खेत से आ रही थी, और उसके सर पे घास का गट्ठर था। वह घास को अपने सर पर बांध के, गट्ठर बांध के ला रही थी। हाथ में थी हंसिया, और उसके हाथ में क्या थी, हंसिया। ये देखो ये काली बाई, और ये काली बाई के हाथ में क्या है, ये हंसिया। ये हंसिया उसके हाथ में थी। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। जब उसने अपने गुरुजी की ये हालत देखी कि गुरुजी को ऐसे ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा है, यह देखकर उसकी भौहें तन गई। उससे रहा नहीं गया। उसने आव देखा न ताव, घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया और उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। जैसे ही उसने अपने गुरुजी को इस हालत में देखा, उसकी भौहें थन गई, उससे रहा नहीं गया, उसे बहुत क्रोध आया। उसने आव देखा न ताव, यानी उसने कुछ नहीं सोचा और उसने घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया और उसने ललकार कर कहा, ठहरो। अब उसे गुस्सा आया। तो जब हम गुस्से से किसी को बुलाते हैं तो उसे ललकारना कहते हैं। जब क्रोध में आकर हम किसी को बुलाते हैं उसे क्या कहते हैं, ललकारना। उसने उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। उसने देखा कि गुरुजी को हाथों में रस्सी बांध के ट्रक से घसीट रहे हैं, तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। ऐसा कहते हुए वह बिजली, बिजली की गति कितनी तीव्र होती है, कितनी तेज होती है बिजली की गति, तो बिल्कुल बिजली की गति की तरह ही वह ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया के एक झटके से काट दिया। उसने जो ट्रक से बंधी हुई रस्सी थी, उस रस्सी को
हसिया के एक झटके से ही काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए। जैसे ही वो बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी, उसने क्या किया, ट्रक से जो रस्सी बंधी थी, गुरुजी के हाथों में रस्सी बंधी थी ट्रक से, उस रस्सी को उसने हसिया के एक ही झटके से काट कर अलग कर दिया। और उसके जो गुरुजी थे सेंगा भाई, वो मौत के मुंह में जाने से बच गए। किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। जैसे ही उसने गुस्से से रस्सी को काटा ये हसिया के वार से, तो उसके गुरुजी तो मौत के मुंह में जाने से बच गए, पर अफसोस की बात यह रही कि सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। जो सिपाही थे उन सिपाहियों ने क्या किया, कालीबाई पे खूब गोलियां चलाई और सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया।